बढ़ते कोरोना महामारी से निपटने के लिए मुंब्रा के कौसा स्थित मौलाना अबुल कलाम स्टेडियम में अत्याधुनिक तकनीकों से लैस कोविड सेंटर का निर्माण थाने जिला पालक मंत्री एकनाथ शिंदे व गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ के मार्गदर्शन में किया गया। जिस थाने मनपा समर्पित कोविड सेंटर का उद्घाटन ऑनलाइन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, तो वहीं उद्घाटन के बाद स्थानीय विधायक व गृह निर्माण मंत्री आवाड़ ने कोविड सेंटर का मंगलवार को दौरा किया और अस्पताल का निरीक्षण कर जायजा लिया। जिस अवसर पर स्थानीय नगर सेवक अशरफ पठान, कलवा मुंब्रा अध्यक्ष समीम खान के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में कौसा मुंब्रा के रहवासी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिस दौरान मंत्री आवाड़ ने कहा कि महाराष्ट्र के किसी भी जगह से आने वाले हर कोरोना मरीज का इलाज हर संभव इस कोविड सेंटर के माध्यम से किया जाएगा। मुंब्रा से सारापुरी की रिपोर्ट। ये सिर्फ थाना के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए फायदेमंद है जी। 100 बेड आईसीयू, 100 बेड वेंटिलेटर, मुझे लगता है कि 100 बेड वेंटिलेटर तो पूरा कलवा मुंब्रा के पूरा एक इकट्ठा करके भी नहीं है। आपको शायद याद होगा जब ये हॉस्पिटल का ओपनिंग हमने किया था, ओपनिंग नहीं जब शुरुआत की थी, तब मैंने कहा था कि ये काम पूरे होने तक ये काम फेल होना चाहिए। हमारे 20-25 करोड़ गए तो भी चलेगा, लेकिन पेशेंट नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। और देखो दुआ सुन ली ऊपर वाले ने, मुंब्रा में पेशेंट नहीं, नहीं है। लेकिन मुंब्रा वालों का ये हॉस्पिटल पूरे महाराष्ट्र में अगर काम में आता है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और वही होगा, मुंब्रा जीरो रहेगा, महाराष्ट्र में पनवेल है, टाइगर है, शील है, दीवा है, डोंबिवली है, जिस जगह पे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है उस जगह के पेशेंट्स को एक राहत है। हमारे पास 10 एम्बुलेंस है, जहां से भी पेशेंट को लाना पड़ेगा हम लाएंगे और उसकी जान बचाएंगे। रही बात ये कि यहां पे अभी आज कल इसका उद्घाटन हमारे सीएम साहब ने किया था और आज मंत्री जी का दौरा हुआ है, यहाँ का भी दौरा हुआ है और कलवा का भी दौरा हुआ है। यही सेम सेटअप जो यहाँ का है वही कलवा का भी है। इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर के इसको कामयाब बनाएंगे। रही बात ये, मंत्री जी ने एक बात कहा कि बहुत पहले भी उन्होंने कहा था कि इतनी कॉस्ट की इतनी बड़ी चीज हम ला रहे हैं शहर में, लेकिन अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि यहाँ पे पेशेंट कम हो जाए। तो आज मुंब्रा इस मामले में बहुत ही आगे है और आज मुंब्रा कौसा में जीरो का रिजल्ट है। अल्लाह ताला से हम लोग यही दुआ करते हैं कि ये जीरो रिजल्ट पे ही खत्म हो जाए। कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों का महानगर पालिका टेंडर निकलने वाली है जी, लेकिन माड़ा और महानगर पालिकाओं से माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब से मैंने और शमीम खान साहब ने और अभिषेक नगर साहब ने मांग की और ये कहा है कि जैसे यहाँ के जहाँ पे जो लोगों ने कोविड वॉरियर ने जो लोकल लोगों ने दिन रात कोविड से लड़ने के लिए पहले दिन से मेहनत की और जो स्टेडियम का जो हॉस्पिटल है, जो टेम्पररी हॉस्पिटल जहां था असिम्प्टोमेटिक वहां पे साथ दिया है, ऐसे ही सभी लोगों को यहां पे मौका दिया जाए ताकि एक दो चीजों, एक उनको एक्सपीरियंस है और दूसरा स्थानिक लोगों को रोजगार मिल सके। आज मुंब्रा का एक नाम हो रहा है कि मुंब्रा जीरो हो गया है। कोविड 19 एक ऐसी बीमारी है कि पूरा देश, मतलब देश ही नहीं तो हर कोई मतलब इससे लड़ रहा है, आज पूरी दुनिया में ही इसका परेशान हाल है। ऐसे हालात में आज मुंब्रा देखेंगे तो कोविड फ्री आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह जो है हमारी आवाम है और हमारे डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब है। साथ ही साथ में मैं डॉक्टर शाह को भी बधाई देना चाहूंगी, डॉक्टर मुमताज शाह जो हैं, जिन्होंने कोविड सेंटर की मांग की थी हमारे आवाड़ साहब से, सभी नगर सेवक और सभी हम लोग जितने भी मतलब मुंब्रा की आवाम के साथ में जितने भी समाज सेवक, नगर सेवक और पुलिस अधिकारी, जितना भी दस्ता है, हर एक काम करने वाला वो शख्स जो इस कोविड में काम